अगला सवाल है जी, सोनिया हुसैन एंड दिलदार अहमद बर्मिंघम, वो कहते हैं जी इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने अपनी वालदा के घर के बाहर नून लीग वालों के एहतजाज के ऐलान की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि इनका और इनकी वालदा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप मोहतरमा जमायमा के इस एहतजाज पर कुछ कहना चाहेंगे और क्या नून लीग वालों को ये हरकत जेब देती है? सोनिया हुसैन दिलदार अहमद हैं बर्मिंघम से, तो भाई जेब नहीं, ये बहुत ही नीच हरकत है। और मैंने आज ये जो सवाल है आपका, मैंने अखबारों में पढ़ा है, उसमें उनकी जो वालिदा हैं जमामा की, वो उनकी एज उन्होंने जो कहा है वो 88 ईयर्स, यानी 88 साल खातून के घर के बाहर जाके अब तमाशा लगाओ कि मुझे खैर आई डोंट नो, ये रिफ्रेफ है काफ़ी सारा हमारा। अनफॉर्चुनेटली चूँकि तालीम है ना तरबियत है ना कोई आगा ना पीछा है, चमचागिरी है मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ लोग करते हैं, और सिर्फ नून लीग में लीग ही नहीं है, बाकी भी सारा गंदी है, कचरा ही है सियासत में, बहुत बहुत हद दर्जा की चमचागिरी, चापलोसी, कोई मौका मिल जाए, कोई दिहाड़ी लग जाए, कोई इस तरह का मामला है। लेकिन मैं हैरत मुझे इस बात पे है कि नवाज शरीफ का तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो गया है, 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, तो नवाज शरीफ साहब को थोड़ी ग्रेस का मुजहरा करना चाहिए। ये बड़ा वदादार फलाना ख़ानदान बनते हैं, जिधर जाते हैं एक मस्जिद भी बनाते हैं, और ये सीखा है आपने, वो बाकी तो छोड़ो, वो तो रिफ्रैप हैं, वो तो चमचागिरी के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में, खुशामद के चक्कर में, चापलूसी के चक्कर में, बहुत से लोग हैं कुछ भी करेंगे और फिर कार्रवाइयाँ भी डालेंगे। और लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये व्हाट हैज हैपन टू नवाज शरीफ। लेकिन शायद ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो, मेरा तो पीपल्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं, माओ जैसी उस खातून को भी स्पेयर नहीं किया, जो जो जुमले ये बोलते थे, जो जो चीज़ें इन्होंने जहाज़ों से फेंकवाई और फेक, तो बात करते हुए भी शर्म आती है। तो कम से कम मरियम नवाज को कह दे के बेटा बस करो, जमायमा का क्या ताल्लुक है, उनकी अलहदगी हो चुकी, डिवोर्स हो चुकी, और उन बच्चों पर रहम करो, डिवोर्स के असरात बड़े भयानक होते हैं, तो वही ज़ख्म उन बच्चों के लिए बहुत काफ़ी है। तो 88 साल वालदा उनके घरों के बाहर जाके तमाशा लगाना, और जो मैंने एक और बड़ा खूबसूरत लिखा है, लेकिन ये सिविलाइज लोगों की दुनिया ना, तो उसने कहा है कि वो पुलिस का भी टाइम ज़ाया होगा, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है, हम लोगों को इन चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों के साथ, ये शऊर ही नहीं है। और पता नहीं जिन लोगों ने ये काम जाके करना है, वो जाओ जाके बनी गला घेरो जिसके साथ तुम्हारा जन, उस औरत के साथ अलहदगी को मुद्दतें बीत गई, पता नहीं यार इनकी अपनी माएँ बहनें, पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब। मैं बात करना नहीं चाह रहा, पूरी करूँगा भी नहीं, तो मैंने खातून को कहा था, मैंने कहा बीबी आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, चूँकि मेरी इस्लाम दुआ जान पहचान है इमरान के साथ, तो मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, और मैं तो इस तरह का मेरी तरबियत इस तरह की है कि मैं उनकी साबका अहलिया अगर रेहम खान भी कोई बात करें और मेरे बस में हो तो मैं ज़रूर कर दूँगा, ये हमारे यहाँ एहतराम का लेवल है। लेकिन बहरहाल जो कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये बात बहुत बदसूरत है, बहुत बदसूरत है। वो भी हैरान गुरे भी होते होंगे कि ये किस नस्ल के जानवर हैं, डिवोर्स हो चुकी, लेना है कि ना देने दो, बची रह गए ना दरमियान में, और क्या है उनके दरमियान, तो इमरान उसके बाद 2 शादियां कर चुका है, तुम उस औरत के पीछे पड़े हो, होश करो।